प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इससे पहले हमने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन क्या है। देखिए, सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं इसमें भारत में स्थानीय स्वशासन के दो स्तर होते हैं। स्थानीय स्वशासन के दो स्तर होते हैं, ध्यान दें इस चीज़ को। नंबर एक ग्रामीण स्तर, नंबर दो शहरी स्तर। भारत में स्थानीय स्वशासन के स्तर दो होते हैं, ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर। ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसे हम पंचायती राज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पंचायती राज जिसे कहा जाता है, वो ग्रामीण स्तर के स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है। ध्यान दें, पंचायती राज जो कहा जाता है वो ग्रामीण स्तर के स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है। शहरी स्तर पर शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं होती हैं। इतिहासकार अल्टेकर ने, ध्यान दीजिए, ये आपका सवाल बनता है, ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछ सकते हैं आपके, जो विवरणात्मक जो आपके उत्तर देने होते हैं उसके अंदर भी आपको इसका उल्लेख करना होगा। इतिहासकार अल्टेकर ने भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संख्या दी, यानी कि भारत के अंदर जो गांव हैं वो एक प्रकार से छोटे छोटे गणराज्य हैं, उनका अपना ही एक अलग शासन है, अपना एक अलग व्यवस्था है। देश की आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उसके बाद 1957 में, देखिए आज़ादी भारत को मिली 1947 में, 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, दोबारा से देखें, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी कि तीन स्तरीय को लागू करने की सिफारिश की। तो यहाँ पर सवाल बनता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को के बारे में जो सिफारिश की थी लागू करने के लिए, वो किसने की थी? तो वो की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। कब की थी, यानी कि कब गठित की थी ये समिति? 1957। तो क्या क्या सिफारिशें थी ये देखिए। मेहता समिति की इन सिफारिशों को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। ध्यान दीजिए, बलवंत राय मेहता समिति की जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला जो पहला राज्य बना वो राजस्थान बना। 2 अक्टूबर 1959 को, तारीख ध्यान दीजिए, 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से इस प्रणाली की शुरुआत की गई। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि राजस्थान पहला राज्य बना इसको लागू करने वाला, और राजस्थान में भी कहाँ से शुरू हुई? नागौर जिले से। किसने की ये शुरुआत? प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को। इसके बाद देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित अन्य जो समितियां हैं, कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट फॉर रिफॉर्म्स इन पंचायती राज सिस्टम, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।